हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 3 के एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 4 में बोला गया है, चेक द ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज अ कंसिस्टेंट, इफ सो यदि वो होते हैं सॉल्व देम ग्राफिकली, तो उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखो, कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, या तो वो इक्वेशन वन सॉल्यूशन दिखाए या फिर यूनिक सॉल्यूशन, जिसके लिए ए वन ए टू बी वन बी टू का इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वन सॉल्यूशन होगा तो भी वो कंसिस्टेंट होगा, या फिर तीनों वन ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, तीनों की रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो क्या शो करेगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट होने के लिए मुझे या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या फिर ये कंडीशन होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरा ए वन जो है वो वन है, बी वन जो है वो थ्री है, ए टू जो है वो टू है, और बी टू जो है वो माइनस का थ्री है। तो कितना है मेरा, वन बाय टू एंड थ्री बाय माइनस का थ्री। तो देखो जरा, दोनों की रेशियो क्या है, सेम नहीं आ रही है। तो ये क्या होगा, ये वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन शो करता है तो ये क्या कहलाएगा, ये कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो फिर हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन है x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो पहले हम निकालेंगे इनके कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक बार मैंने क्या रख दिया, x बराबर जीरो। कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका, x की जगह जीरो रखा, यहाँ जीरो, थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ये तो ख़त्म है। मल्टीप्लाई में थ्री एक इसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो ये मेरा आया दो। फिर अगली बार मैंने y बराबर क्या रख लिया, जीरो रख लिया, y इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो। x थ्री वाई, यहाँ जीरो रखा सिक्स, तो मल्टीप्लाई हुआ जीरो, ख़त्म हो गया, सिक्स आया। दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा ये निकल के आया। अब मेरी जो दूसरी इक्वेशन थी वो क्या थी, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यहाँ x लिया, यहाँ y लिया, एक बार मैंने क्या रखा, x बराबर जीरो माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, ये तो मल्टीप्लाई होगी, ख़त्म। थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड दिया, कितना है, माइनस का फोर। ठीक है, एक्स जीरो वाई कितना, माइनस का फोर। फिर वाई बराबर मैंने क्या रखा, जीरो, वाई बराबर मैंने जीरो रखा, तो टू एक्स वाई की जगह जीरो ट्वेल्व मल्टीप्लाई होगी, ख़त्म। टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व मल्टीप्लाई में है, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ये आ गया मेरा सिक्स। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के अंदर। तो पहले मैं इसका कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यह कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं, एक्स तो जीरो है, वाई कितना है मेरा दो, तो वाई पे दो मेरा ये रहा। फिर एक्स कितना, छः, वाई ज़ीरो, एक्स पे छः, वाई ज़ीरो, दो पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे हम, दोनों को ज्वाइन कर दिया। इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या था, ज़ीरो टू, इस कोऑर्डिनेट का नाम था सिक्स ज़ीरो। ठीक है, इक्वेशन का नाम क्या था मेरा, इक्वेशन का नाम था एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। दूसरी इक्वेशन, एक्स तो ज़ीरो बट वाई कितना, माइनस का फोर, तो वाई एक्सिस मेरी ये रही, माइनस का फोर ये रहा। अगला सिक्स पे ज़ीरो, सिक्स पे ज़ीरो यही पॉइंट होगा, दो पॉइंट मिलेंगे, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना है, ज़ीरो माइनस का फोर, ये तो सेम ही रहेगा। मेरी इक्वेशन कितनी होगी, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व। ठीक है, तो बस ये मेरा ग्राफ बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन में जो मेरे को पूछा गया था कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ये उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसी के साथ मेरा एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।